बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बिज़नेस के लिए वेबसाइट का होना क्यों ज़रूरी है। कुछ ऐसी वजूहात हम इस वीडियो में आपके साथ रखेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे और आप मानने लगेंगे कि इस दौर में वेबसाइट कितनी अहमियत का हामिल है। इस दौर में लोग फिज़िकली बिज़नेस के बजाय लोग ऑनलाइन बिज़नेस को भी तरजीह दे रहे हैं। ऑनलाइन बिज़नेस के लिए लाजिमन कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसका सहारा लेकर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। ये प्लेटफॉर्म बैन अलावी सतह का भी हो सकता है, जैसे अमेजोन, अली एक्सप्रेस हैं, alibaba.com है, और इस तरह ईबे वगैरह। इसी तरह लोकल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान में daraz.pe गए। बहरहाल आप कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, आपको वेबसाइट की ज़रूरत फिर भी रहती है। मजीद ये कि इन प्लेटफॉर्म की बड़ी कड़ी शरायत होती है, वहाँ आमतौर पर आप मखसूस और मशरूत प्रोडक्ट्स ही बेच सकते हैं, इसलिए आपका अपना प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। आजकल वेबसाइट इतनी ही ज़रूरी है जितनी एक फिज़िकली बिज़नेस के लिए दुकान। वेबसाइट की अहमियत को जानने के लिए हम आपके साथ कुछ नुकात शेयर करेंगे, जिनमें से सबसे पहला है वेबसाइट से प्रोफेशनलिज्म का इजहार। अगरचि आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट भी है जहाँ पर आपकी मसनूआत के कैटलॉग्स बने हुए हों, तो ये आपके प्रोफेशनलिज्म को जाहिर करती हैं। दूसरी बात यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बहुत सारे हदूद व क़ुयूद होती है, उनके अंदर रहते हुए आप अपनी मसनूआत को इन प्लेटफॉर्म्स पर लगा सकते हैं, जबकि आप अपनी वेबसाइट में आज़ाद होते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना सकते हैं। दूसरा ये है कि बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का ज़रिए भी है। फिज़िकली बिज़नेस में आप अपने शहर या ज़्यादा से ज़्यादा दीगर शहरों तक अपने प्रोडक्ट सेल के लिए बेच सकते हैं, जबकि वेबसाइट के ज़रिए सात समंदर पार दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने कस्टमर को तलाश कर सकते हैं। तीसरा ये है कि वेबसाइट का इश्तिहारी मकसद के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी भी बिज़नेस को अपनी तशहीर की ज़रूरत लाजमी होती है, चुनांचा अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं और आपकी वेबसाइट भी है, तो आप इस वेबसाइट पर न सिर्फ अपने कारोबार की तशहीर कर सकते हैं बल्कि कमर्शल्स के ऊपर दूसरों के प्रोडक्ट्स के इश्तिहार भी चला सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी आमदनी में इजाफा होता है बल्कि आपकी वेबसाइट दूसरों तक भी पहुंचती रहती है। आप लंदन में बैठे हैं या आप पाकिस्तान में हैं, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आपकी दुकान बंद है मगर वेबसाइट के जरिए बाहर सूरत 24 घंटे आपके प्रोडक्ट्स की तशहीर हो रही होती है। चौथी ये है कि इंटरनेट सार्फिन की तवज्जो का हुसूल होता है आपका जो बिज़नेस होता है। इंटरनेट की दुनिया में तकरीबन 4.95 एक्टिव इंटरनेट यूज़र है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट के ज़रिए आप इन सार्फिन में से एक बड़ी तादाद की तवज्जो अपने प्रोडक्ट की जानिब मबजूल करा सकते हैं, उसके साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स फराहम करते हुए इंटरनेट की दुनिया में आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। पाँचवीं चीज़, 24 आवर्स ऑनलाइन मौजूदगी। वेबसाइट आपकी एक ऐसी दुकान है जो 24 आवर्स और सातों दिन खुली रहती है, जिसके लिए आपको किसी किस्म के अखराजात नहीं उठाने पड़ते और न ही किसी मुलाजिम को रखना पड़ता है। इसके बरक्स अगर आपके फिज़िकली आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं, उनको इसी तरह 24 घंटे खुला रखने के लिए आपको भारी मकदार में अखराजात उठाने पड़ते हैं। पांचवी चीज़, अखराजात में कमी होती है वेबसाइट के ज़रिए। वेबसाइट से न सिर्फ आपके कारोबार के अखराजात बहुत कम हो जाते हैं बल्कि उसके साथ साथ तशहीरी अखराजात में भी कमी वाकई होती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपके प्रोडक्ट्स की लागत कम हो जाती है और आप ख़ुद ही अपने मद्द मुकाबिल अफराद से कम कीमत में चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप उनके मुकाबले में कस्टमर को अच्छे नरख देते हैं, तो इससे आपकी ख़रीद व फरोख्त कई गुना बढ़ जाती है। छठी चीज़, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। वेबसाइट पर आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट से मुतालिक हर किस्म की मालूमात मौजूद होती है, कस्टमर किसी भी वक्त इन तक रिसाई हासिल कर सकता है। इसी तरह बाज़ औक़ात कस्टमर अपनी मतलूबा चीज़ तलाश करते हुए उस चीज़ से मुतालिक कुछ फ़ीचर्स भी लिख देता है। इसी तरह की मालूमात और आदाद व शुमार से आपको मार्केट और कस्टमर की डिमांड को समझने में मदद मिलती है और इसी के मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर देते हैं। इसी तरह कंपनी और कस्टमर के दरमियान एक मजबूत और एतबारी रिश्ता कायम होता है, जो आपके बिज़नेस को ब्रांड बनाने में कुलीदी हैसियत रखता है। सातवीं चीज़, 24 आवर्स कस्टमर की सहूलत। एक अच्छे ब्रांड को अपने प्रोडक्ट्स के सिलसिले में कस्टमर सर्विस फराहम करनी होती है। अगर आपकी वेबसाइट है तो ये सर्विस बड़े अच्छे अंदाज से फराहम कर सकते हैं। इसके लिए आप खुद भी बैठ सकते हैं या किसी ऐसे आदमी को रख ले जो सही मानों में आपकी नुमाइंदगी कर सके और लोगों के सवालात के जवाब दे सके। इसके लिए किसी खास जगह में मौजूद होना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा शख्स अपने घर में बैठा हो अपने मोबाइल से जवाब भी दे सकता है। देखा यह गया है कि एक ऐसी वेबसाइट की तरफ कस्टमर की रुझान बहुत ज़्यादा होती है जहां उनको सवालात के जवाब मिलते हैं। ये जो हमने नुकात जिक्र किए,
इनसे ये बात तो वाजह होती है कि अपनी बिजनेस के लिए वेबसाइट कुलेदी हैसियत रखती है, लिहाजा कोई भी बिजनेस चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो इसके नशो नमा के लिए वेबसाइट ज़रूरी है और उसकी अहमियत को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली वीडियो आपके बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें।